ਖਾਦੀ ਦੀ ਹੱਲੀ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੋਣਾ ਆ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੈਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਰ ਖਾ ਦਿੱਤੀ ये रोती हुई बेटी ये सोच रही है कि अपने पिता के शव को घर जो है वो किस तरह से लेके जाना है, किस तरह से ये अपनी आज माँ को बताएगी कि आज पिता इस दुनिया में नहीं रहे। और जमीनी विवाद के चलते ये सारा मामला जो है वो सामने आया है। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा, परिवार इस सदमे से उबर सके इसकी दुआ भी जरूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? महेश। जी क्या ये पूरा मामला हुआ? सर 25 तारीख को सर मेरे ताया और चाचे के लड़के हमारे घर में गुंडे लेके आ गए। सर 10 से 15 बंदे थे, इन्होंने हमारे घर पे बिना बुलाए हमें कुछ पता नहीं था। सर जमीन का विवाद चल रहा था 4 साल से, तो ये बोलते हैं कि हमारे हक में कोर्ट का फैसला हो गया। सर कोई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ था, कोई इनके साथ पुलिस नहीं थी, कोई कोर्ट का आर्डर नहीं उन्होंने बताया। हमने सिर्फ पूछा कि अगर कोर्ट का आर्डर है तो हमें बताइए, तो फिर आप अपनी लीगल कार्रवाई जो है हम आपका कोऑपरेट करेंगे। सर ऐसे बात करके एक बंदे ने टोके के साथ मेरे सर में हमला कर दिया। मुझे बचाने के मारे जब मेरे फादर साहब आ गया, मेरे फादर साहब को तलवार के साथ इन्होंने काटना शुरू कर दिया। सर मैं वहाँ से भाग के अपनी जान बचा के किसी तरह गाड़ी निकाली अपनी, मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वहाँ पे मैं बेहोश हो गया, आगे पुलिस वालों ने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया। मुझे आगे कोई होश नहीं थी क्या हुआ आगे। सर उन्होंने 10-12 बंदे हैं, उनमें से 4 बंदे अभी अरेस्ट हुए हैं, अभी पुलिस ने कोई और बंदा अरेस्ट नहीं किया था। 4 दिन से हम पूछ रहे हैं कि बाकी वाले बंदे कह रहे हैं नहीं फरार हैं। आज मैं सुबह गाड़ी लेके घर से आया, मैं कल डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से। ये रहने वाले कहाँ के? सर ये भक्तपुर के रहने वाले, मैं घूमना से मैं रहता हूँ। जी घूमना सा बार न बोले। सर सके ताए के लड़के हैं, सके ताए के सके चाचे के लड़के हैं जी दोनों। 4 बंदे हैं जी सर, और बाहर से बंदे लाए हुए हैं उन्होंने। तो देख सकते हैं एक जमीनी विवाद के चलते एक शख्स की जान जो है वो चली गई है। आखिरकार ऐसी जमीन ऐसी जायदाद को क्या करेंगे जिसके लिए अपनों ने ही अपनों की जान जो है वो ली है। ये मामला जो है ये पूरा जांच के अधीन रहेगा, मगर दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि जमीनी विवाद के चलते जमीनी विवाद और वो भी अपने सगे ताए चाचों में इस तरह के वार हो और अपने ही शख्स की जान चली जाए तो क्या करना है ऐसी जमीनों को, क्या करना है ऐसी जायदादों को। हर बार ये मामला जो है वो सामने आता है कि जमीनी विवाद जो है वो कई घरों के चिराग जो है वो बुझा चुके हैं। अब ये बेटी परेशान कि आखिरकार घर राज माता को क्या कहेगी जिस माँ ने कहा था कि वीडियो कॉल पे पिता के साथ जो है उनकी बात जो है वो करवाई जाए।
की आखना चाहोगे की होया है साढ़े ताए दे मुड़े साढ़े प्यो दे मारी उड़े आज इंसाफ चाहने की सानू इंसाफ मिलना चाहिए था साढ़े घर च कोई सियाना बंदा नहीं कल्ला कल्ला भरा मेरा आज इन्हें प्यो दे मारे कल भरा दी मारी सकते ना आज साढ़े तीन आज तीन भैन आया साढ़ा कल्ला कल्ला इको भरा आया आज कुत्तू छोड़िया साढ़े यो सारा है आज सानू इंसाफ मिलना चाहिए इन्हें फांसी होनी चाहिए है जनानी मेरा बंदर भी सारे मिल गए रोते हुए ये वो बेटी है जिसने आज अपने पिता को खो दिया है यानी कि जमीनी विवाद के चलते यहाँ पर बड़ा हंगामा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जमीन के लिए आपस में ही सगे ताए चाचे के बच्चे जो हैं वो भिड़ गए थे और ये हादसा जो है वो पेश आया। हालांकि ये कारण क्या रहे और क्या कुछ रहा ये तो जांच का विषय रहेगा और पुलिस जो है फिलहाल इस पे जांच कर रही है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण कि एक परिवार का चिराग जो है वो बुझ गया है। तो देख सकते हैं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो कि जमीन को लेके हर बार विवादों में रहते हैं, लड़ाई झगड़े को उतारू रहते हैं। आज ये जमीन यहीं पे रह गई, शख्स इस दुनिया से चला गया, अब क्या वहां पे बनाएंगे? और मुझे बताइए ऐसी जमीन पे जिस पे किसी की जान गई है वहां पर क्या बस्ती बसेगी, वहां पे क्या होगा, क्या खुशियां उस जमीन पे आएंगी? और उस जमीन का करना ही क्या जो किसी दूसरे की जान लेके जमीन का हक जो है वो लेना चाहे। अब इन दोनों पक्षों में से सही कौन है गलत कौन है इस पे टिप्पणी हम नहीं कर सकते, ये कानून का काम है, मगर जमीनी विवाद के चलते एक परिवार का शख्स जो है वो इस दुनिया से चला गया। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।